उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC की PCS प्री परीक्षा जिले के 65 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा में कुल 30,813 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन 20,012 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 10,813 परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। इस मौके पर गौरव पुन्नी से बात करते हुए परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर थोड़ा हार्ड आया था और कुछ ने बताया कि अच्छा आया था, उम्मीद है कि रिजल्ट आने पर पास हो जाएंगे। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए परीक्षार्थियों तथा ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, PCS का कैसा रहा? अच्छा रहा। पेपर कैसा आया था? पेपर सही आया था। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था? जी। क्या लग रहा है आपको? पेपर लग रहा है हो जाना चाहिए फ्री। अभिनव पांडे, UPSC का था। कैसा आया था पेपर? पेपर ठीक था, थोड़ा कठिन भी था लेकिन ठीक था। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया है? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला सेकंड पेपर भी देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। पूनम, PCS प्री था। मैं कैसा पेपर आया था? बहुत अच्छा आया था, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑन हुए थे। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया है? या सेकंड बार है मेरा ही। क्या लग रहा है पेपर देखा? पेपर बहुत अच्छा आया है। धर्मेंद्र कुमार, UPPCS 2020। कैसा आया था पेपर? पेपर ठीक था। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया? जी। क्या लग रहा, निकल जाएगा? जी बिल्कुल। निधि दुबे, देखते हैं रिजल्ट का, वेट करें, कट ऑफ का है। आज PCS की प्रारंभिक परीक्षा थी उत्तर प्रदेश की, और गोरखपुर में 65 सेंटरों पे ये परीक्षा होनी है हुई है। इसमें कुल विद्यार्थी 30,813 जिन्हें इसमें अपियर होना था वो उसकी संख्या है, लेकिन केवल 20,012 विद्यार्थी ही इस परीक्षा में उपस्थित हुए, 10,801 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। परीक्षा में सफलतापूर्वक बिना नकल की सुचितापूर्ण परीक्षा प्रशासन के सभी मजिस्ट्रेट साहबान ने और सभी प्रिंसिपल साहबान ने मिलके इसको संपन्न कराया है, और सफलतापूर्वक ये परीक्षा गोरखपुर में संपन्न हुई है।